हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट अर्बन फॉर नीट। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम प्लांट फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट हो गया था, फिर हमने स्टार्ट किया ह्यूमन फिजियोलॉजी, और इसमें पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था, उसके सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे हम लोगों ने। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा पहला चैप्टर, उसी से लिंक करके हम सेकेंड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं टेलीग्राम के बारे में देने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसमें मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहला सवाल है कि हम ब्रीदिंग कर क्यों रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें हमने आपसे पूछा कि हम डाइजेशन क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मैक्रो मॉलिक्यूल को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसको डाइजेशन किया था। फिर हमने कहा था डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्या कराया था, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाया था। वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि हम ब्रीदिंग की हमें ज़रूरत क्या है, ब्रीदिंग हम क्यों कर रहे हैं और ब्रीदिंग है क्या। पहली बात तो हमें पता है कि हमारी जो एनिमल्स हैं वो हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लेते हैं खाने के फॉर्म में। वो हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये खाने के फॉर्म में लेते हैं, फूड के फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है और CO2 है। तो ये जो हम फूड के फॉर्म में हाई न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं जैसे ग्लूकोज, तो इसके ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से। सवाल था कि हमें ऑक्सीजन ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है इसलिए। और ऑक्सीजन आएगी कैसे, ब्रीदिंग के द्वारा या रेस्पिरेशन के द्वारा। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमने जो खाना खाया है उसमें जो ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और फिर इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एनिमल अपनी अलग अलग तरह की एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है। जैसे अलग अलग तरह के काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जब हम सांस लेते हैं तो भी हमें एनर्जी चाहिए। अब बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो ये भी हार्मफुल है जो रिलीज होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन में। ये जो हमें ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आई और ग्लूकोज के साथ ये जब बाइंड होती है तो इसका ब्रेकडाउन होगा। ये एटमॉस्फेयर आपको दिखाया गया है, और इधर आपको ये सेल दिखाई गई है। अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये सब गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में। और ये हमारी बॉडी की एक सेल दिखाई गई है, सेल में क्या है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहाँ से आया, जब हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब एब्जॉर्प्शन पढ़ा था तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ था उससे एब्जॉर्ब होके कहाँ आया, सेल में। अब सेल इसको अपने एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज करेगी इस ग्लूकोज को, एसिमिलेशन कहा गया था जब सेल यूटिलाइज, इसे एसिमिलेशन कहा गया था। अब इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, जो कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, एटमॉस्फेयर से। फिर इसको किस में कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज को, CO2 वाटर एनर्जी। अब इस एनर्जी का यूज़ एनिमल अपनी वेरियस एक्टिविटी के लिए करेगा। फिर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ये भी हार्मफुल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है, इसको बॉडी से बाहर करना भी ज़रूरी है। तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन में ये CO2 बनी है इसको बाहर करना भी ज़रूरी है, तो इसको बॉडी से बाहर भी कर दिया जाता है एक्सप्रेशन में। तो इस बात का ये सबूत है कि जो ऑक्सीजन, लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, और लगातार CO2 जो बन रही है उसमें उसको निकालने की ज़रूरत है। यही जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, और CO2 कहाँ से, जो हमारी सेल प्रोड्यूस कर रही है, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं कॉमनली, या कॉमनली इसको हम ब्रीदिंग कह देते हैं। लेकिन ये ब्रीदिंग है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं, सेल टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग हैं। रेस्पिरेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर का सेल्स में आना और सेल के CO2 का एटमॉस्फेयर में जाना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीदिंग की डेफिनेशन क्या होती है,
एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में आना और लंग्स की CO2 का एटमॉस्फेयर में जाना, ये ब्रीदिंग कहलाता है। तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये भी याद रखना। अब देखो, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसको क्या हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको समझो, हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हैबिटेट का मतलब जैसे हम टेरेस्ट्रियल हैं, हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, तो हम रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, लंग्स, हमारे पास लंग्स हैं। हैबिटेट हमारा टेरेस्ट्रियल है और हमारे पास लंग्स हैं। अब बात करें हम फिश की, मछली की, मछली कहाँ रहती है, पानी में, एक्वेटिक है, वहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए क्या है, गिल्स। तो हैबिटेट बदला, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या है, लंग्स, और मछली का हैबिटेट क्या है, पानी यानी एक्वेटिक। तो एक्वेटिक जैसे ही हैबिटेट बदला, हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन बदल गया। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करता है हैबिटेट पे एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, 4, इसको भी हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, 4, जैसे कौन कौन से, सेलुलर लेवल, सेलुलर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमारे अंदर कौन सा होता है, ऑर्गन लेवल, हमारे पास लंग्स होते हैं, लंग्स एक ऑर्गन है। तो पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में सेलुलर लेवल होता है, वहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई है नहीं है, वहाँ जनरल बॉडी सरफेस से होता है रेस्पिरेशन। और ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो जैसे हम किसके मेंबर हैं, हम ऑर्गन सिस्टम लेवल में आते हैं, तो हमारे पास लंग्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब देखो, 1 से लेके 5 तक पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, ये फाइलम से पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, लेती हेलमेंटीज, इसके हेलमेंटीज, एनिलीडा, नहीं, इसके हेलमेंटीज तक किससे होता है, जनरल बॉडी सरफेस से। तो कहाँ से, पोरीफेरा से इसके हेलमेंटीज तक, डायरेक्ट याद रखना कि जनरल बॉडी सरफेस से होता है। फिर एनिलीडा में देखो, अर्थवॉर्म में मोइस्ट क्यूटिकल से होता है, और नेरीज में पेरापोडिया होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। एनिलीडा की बात करें तो अर्थवॉर्म में मोइस्ट क्यूटिकल होता है और नेरीज में पेरापोडिया होती हैं। गैसियस, और पेरापोडिया का काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज एंड लोकोमोशन। ये जो पेरापोडिया होती हैं नेरीज में, इनका काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज एंड लोकोमोशन, इसको भी हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। अच्छा, हम बात करें कि अब पहली बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन आया कहाँ पे, डेवलप कहाँ पे हुआ, पहली बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ पे आया था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में सबसे पहली बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन आया था, क्वेश्चन सीधे आएगा, इसे याद रखना। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट में अगर बात करें तो इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रेकियल ट्यूब होती है। क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन हो गया, प्रॉन एक झींगा मछली से कहते हैं, क्या मछली है, नहीं है, मछली नहीं है, लेकिन इसका नाम झींगा मछली है, प्रॉन। इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स के द्वारा होता है, इसी वजह से इसको मछली कहा गया है। इसमें कैसे होता है रेस्पिरेशन, गिल्स के द्वारा। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो जैसे इंसेक्ट में ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा होता है, सीधे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। अराकिड की मेंबर, अराकिंडा की बात करें तो इसमें जैसे स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, मकड़ी, बिच्छू, ये सब हो गया। इसमें क्या होगा, बुकलंग्स। स्पाइडर और स्कॉर्पियन में क्या होगा, बुकलंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा। हम बात करें मोलस्का की, मोलस्का में एक्वेटिक अगर हैबिटेट है तो गिल्स होंगे, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो लंग्स होंगे। एक्वेटिक अगर पानी में है तो गिल्स होंगे, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो लंग्स में होंगे। तो मोलस्का में एक्वेटिक भी हो, गिल्स भी हो सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और लंग्स भी हो सकता है। अब बात करें हम वर्टिब्रेट की, तो वर्टिब्रेट में जैसे फिशेज की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट में फिशेज क्या क्या आते हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट में कौन कौन आ जाता है, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल आ जाते हैं। फिशेज की बात करें तो इसमें गिल्स होते हैं। एम्फीबियंस में मोइस्ट स्किन के द्वारा होता है, एम्फीबियंस में मोइस्ट स्किन भी होता है, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स में लंग्स पाए जाते हैं। तुमसे पूछेगा रेप्टाइल में बताओ,
रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, लंग आंसर कर देना है। बर्ड में लंग्स होते हैं, मैमल्स में लंग्स होते हैं, मैमल्स जैसे हमारी बात ही कर लो तो इसमें भी क्या है, लंग्स ही तो हैं। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में लंग्स भी हो सकते हैं और मॉइस्ट स्किन से भी हो सकता है। फिशेज में सिर्फ गिल्स होंगी। मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में रेस्पिरेटरी, हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो मैमल्स में वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, किसी हम फिश को अगर पानी के बाहर निकाल दें, किसी फिश को, फिश रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, गिल्स के द्वारा कर रही है, उसको अगर हम बाहर निकाल दें पानी के तो वो मर जाती है। क्यों? ड्यू टू इनएबिलिटी टू रिस्पायर। सीधे आंसर करना है, फिश ब्रॉट आउट ऑफ वाटर डाइज बिकॉज इनएबिलिटी टू रिस्पायर। ये आंसर सीधे कर देना है। आगे आओ, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो पहले अगर आपको ये स्टेप नहीं याद है तो आपको ये स्टेप याद करना है। सबसे पहले क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। ये क्या है, जो आपके लिप के ऊपर दो ओपनिंग पाई जाती हैं नोज की, उन्हीं को हम एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स कहते हैं। फिर आएगा नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर। तो ऐसे पूछेगा कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स ओपन होता है नेसल चैम्बर में, किसके द्वारा, नेसल पैसेज के द्वारा। एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स ओपन होता है नेसल चैम्बर में नेसल फेरिंग्स के, नेसल पैसेज के द्वारा। एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स ओपन इनटू द नेसल चैम्बर थ्रू नेसो फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स आ जाएगा, नेसल चैम्बर किस में होगा, फेरिंग्स में, जो कि किसका पार्ट है, फेरिंग्स का ही पार्ट है। फिर उसके बाद फेरिंग्स आएगा, नेसल चैम्बर नेसो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स फिर कहाँ जाएगा, लेरिंग्स में। फिर लेरिंग्स आएगा, फिर ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्योल, टर्मिनल ब्रोंक्योल, टर्मिनल ब्रोंक्योल, डक्ट ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई। अगर ये आपको स्टेप नहीं याद है तो पहले आप इनको याद कर लीजिए, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, नाजल पैसेज, नाजल चैम्बर, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्योल, टर्मिनल ब्रोंक्योल, डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड एल्वेलाई। तो रेस्पिरेटरी पार्ट की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स से एल्वेलाई तक, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट पाथवे, यही है। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो हमने उसमें बात कर ली, कुछ ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये सब, ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स है इसको हमने बता दिया कि ये दो ऊपर लिप के ऊपर जो ओपनिंग होती है उसी को एक्सटर्नल नोस्ट्रल कहते हैं। फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स ओपन होता है नेजल चैम्बर में नेसल पैसेज के द्वारा। फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, ये भी हम बता चुके हैं। ये लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स की अगर हम बात करें तो ये साउंड बॉक्स कहलाता है। ये क्या है, साउंड बॉक्स है और फर्स्ट पार्ट है ट्रेकिया का। लेरिंग्स, लेरिंग्स फर्स्ट पार्ट भी है ट्रेकिया का, ये भी बता चुके थे। और कुछ बताया था कि लेरिंग्स फर्स्ट पार्ट है ट्रेकिया का, ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। लेरिंग्स के कार्टिलेजनस बॉक्स है उसके ऊपर, कार्टिलेजनस बॉक्स था, ये कार्टिलेजनस बॉक्स होता है। लेरिंग्स की बात करें तो कार्टिलेजनस बॉक्स होता है ये। और हमने क्या बताया था कि उसमें जो ओपनिंग होती है ट्रेकिया की उसे हम ग्लोटिस कहते हैं। उसके ऊपर फिर एक ढक्कन होता है जो फूड की एंट्री को ट्रेकिया में प्रिवेंट करता है, उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये सब हम डाइजेशन में बात कर चुके हैं। अब देखो ये है पूरा, हमने जो ये दिखाया है स्ट्रक्चर, पहले आप देखो ये दिखाया गया है आपका ट्रंक, इसे हम ट्रंक कहते हैं, दिखाया गया है। इसके दो चीज़, दो रीज़न होते हैं, एक तो एब्डोमिनल पार्ट होता है, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं इसे, और ये जो ऊपर वाली पोर्शन होता है इसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, नीचे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, और इन दोनों को डिवाइड कौन करता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट करता है, डायाफ्राम। देखो यहाँ पे ये जो ट्रेकिया है, ये जो ट्रेकिया दिखाई गई आपको, ट्रेकिया ये जाके डिवाइड, ट्रेकिया सीधे आएगी,
ये तो मिड थोरेसिक कैविटी से पास हो रही है, ये थोरेसिक कैविटी दिखाएगी, ये थोरेसिक कैविटी है, इसके मिड में मिड थोरेसिक कैविटी से पास होगी और जाके डिवाइड करेगी फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रा पे, पांचवे नंबर वर्टीब्रा पे डिवाइड करेगी। थोरेसिक वर्टीब्री कितनी होती है टोटल 12, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सेक्रल कोकिजियल, ये आपने याद किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि थोरेसिक वर्टीब्री 12 होती हैं टोटल, तो पांचवे नंबर की वर्टीब्रे पे जाके ये डिवाइड करता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रा पे, डिवाइड करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई में, या सिंपली से ब्रोंकस कहते हैं सिंगल को, तो डिवाइड करेगा फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रा में जाके कहाँ पे, प्राइमरी ब्रोंकाई में, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करेगा। ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई दिखाई गई है और ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई दिखाई गई है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिवाइड करेगा, ऐसे इधर डिवाइड करेगा और इधर डिवाइड करेगा, एक तरफ राइट, ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई दिखाई गई है और ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई दिखाई गई है। अब इसके ऊपर लंग्स होगा, ये जो लंग्स हैं लंग्स के ऊपर ये आपको लंग्स दिखाए गए हैं, ये आपको लंग्स दिखाया गया है, ये राइट लंग है जिसमें तीन लोब हैं और इधर लेफ्ट लंग आपको दिखाया गया है जिसमें दो लोब होते हैं, राइट लंग में तीन लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में दो लोब होते हैं। अब बात करें हम लंग्स की कवरिंग की, तो लंग्स की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं प्लूरा, लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरा, इसमें एक आउटर लेयर होती है एक इनर लेयर होती है, जो बाहर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा और जो अंदर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं विसेरल प्लूरा, आउटर जो होती है उसे हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है, जो बाहर है तो बाहर क्या है थोरेसिक कैविटी, तो थोरेसिक कैविटी के क्लोज कॉन्टैक्ट में होगी, और विसेरल प्लूरा जो इनर लेयर है ये किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होगी, ये लंग्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में होगी। अब बात करें इन प्लूरा ये जो लेयर हैं डबल लेयर हैं इन्हें हम कहते हैं प्लूरा, इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होगा जिसे हम कहेंगे प्लूरल फ्लूइड, जिसे हम क्या कहेंगे प्लूरल फ्लूइड, इसका काम क्या होता है रिड्यूस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे। सर्फेक्टेंट की अगर हम, और यहाँ पे एक फ्लूइड और भी होता है जिसे हम कहते हैं सर्फेक्टेंट, एक फ्लूइड और भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं सर्फेक्टेंट, ये क्या करता है रिड्यूस्ड सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। अब ये जो इसमें जो टर्मिनल ब्रोंक्योल होता है, टर्मिनल ब्रोंक्योल डिवाइड क्या बनाता है एल्वेलाई, टर्मिनल ब्रोंक्योल क्या बनाता है एल्वेलाई, एल्वेलाई कैसा स्ट्रक्चर है वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम एल्वेलाई कहेंगे। 300 मिलियन एल्वेलाई दोनों लंग्स में पाई जाती हैं। यह सर्फेक्टेंट जो होता है सरफेस एल्वेलाई का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, एल्वेलाई का काम क्या होता है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। और अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, लंग्स की सरफेस एरिया कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर, अगर हम बात करें लंग्स के सरफेस एरिया की तो कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर। अब देखो वो जो हमने पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे पढ़ा, क्या था पहले रेस्पिरेटरी पाथवे में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एल्वेलाई तक वो रेस्पिरेटरी पाथवे था, तो वहाँ पे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्योल तक, सीधे क्वेश्चन आएगा बताओ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्योल तक इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्योल तक ये कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट इसे कहते हैं, ध्यान रखना कंडक्टिंग पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट इसी को कहते हैं, अभी क्वेश्चन में यूज होगा। डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड एल्वेलाई क्या बनाती हैं एक्सचेंजिंग पार्ट बनाती हैं, एक्सचेंजिंग पार्ट के कितने पार्ट हैं, अब जैसे हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट थे, दो पार्ट थे एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, कंडक्टिंग पार्ट या इसी को रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं और एक्सचेंजिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्योल तक, यह क्या है कंडक्टिंग पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट। और डक्ट ऑफ एल्वेलाई क्या बनाती हैं एक्सचेंजिंग पार्ट, देखो ऊपर आते हैं यहाँ पे देखो
एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से यहाँ से कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंकियल तक, टर्मिनल ब्रोंकियल तक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियल तक, ये क्या है, कंडक्टिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट, और डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एल्वियोलाई ये इतना पार्ट क्या है, एक्सचेंजिंग पार्ट है ये, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट हो गए, एक्सचेंजिंग पार्ट और रेस्पिरेटरी पार्ट। अब बात करें प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक, प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक ये रीजन्स होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक लंग्स कहेंगे। ये लंग्स हैं प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक, और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियल तक ये क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट या कंडक्टिंग पार्ट है, ये क्या है, ये एक्सचेंजिंग पार्ट है। ये एक्सचेंजिंग पार्ट है। अब हम बात करें ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल तक, कहाँ से, ट्रेकिया से, यहाँ से लो, अब इसको हटाते हैं, कहाँ से, ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल तक, ये पूरा पार्ट जो दिखाया गया है, ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल तक, सीधे क्वेश्चन आएगा, बताओ ट्रेकिया से सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग कहाँ होती हैं, सी शेप कार्टिलेजनस रिंग कहाँ होती हैं, ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल तक सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती हैं, जो पोस्टरली इनकम्प्लीट होती हैं और वेंट्र, जो डोर्सली इनकम्प्लीट होती हैं और वेंट्रली कम्प्लीट होती हैं, और ये किससे बनी होती हैं, हाईलाइन कार्टिलेज से बनी होती हैं, कार्टिलेजनस रिंग जो होती हैं हाईलाइन कार्टिलेजनस कार्टिलेज से बनी होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये जिससे ट्रेकिया पिचकती नहीं है, कोलेप्स नहीं करती है, जो ट्रेकिया होती है वो कोलेप्स क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसमें सी शेप कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती है, ये यही इसको मजबूती देती हैं, और ये हाईलाइन कार्टिलेज की बनी होती हैं। तो सीधा क्वेश्चन हो गया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियल तक क्या है, कंडक्टिंग पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और डक्ट ऑफ एल्वियोलाई से एल्वियोलाई तक क्या था, एक्सचेंजिंग पार्ट, प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक क्या है, लंग्स, प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक क्या है, लंग्स, और ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंकियल तक क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग पाई जाती है, जो किससे बनी होती है, हाईलाइन कार्टिलेज से। नीचे देखो यहाँ पे दिया गया है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियल तक, कंडक्टिंग पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाता है, फिर डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ये क्या कहलाता है, एक्सचेंजिंग पार्ट, प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक का हिस्सा लंग्स कहलाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक का हिस्सा लंग्स कहलाता है, फिर ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल तक सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग होती हैं। इसको थोड़ा फिगर में भी दिखा देते हैं, ये वाला फिगर देखो, देखो ये जो दिखाई गई हैं सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग दिखाई गई हैं, ऐसे ऐसे जो बनी हैं, ये कहाँ तक होंगी, यहाँ तक, कार्टिलेजनस रिंग कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंकियोल तक, तो ये इनिशियल ब्रोंकियोल तक होंगी, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल आ जाएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल से डक्ट ऑफ एल्वियोलाई बन जाएंगी, इनिशियल ब्रोंकियोल तक क्या होगा, सी शेप कार्टिलेजनस रिंग पाई जाएंगी। अब देखो कहाँ से, लंग्स हमने कहा प्राइमरी ब्रोंकाई से, ये देखो यही तो प्राइमरी ब्रोंकाई दिखाई गई है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, तो प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक का हिस्सा क्या कहलाता है, लंग्स कहलाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक का हिस्सा लंग्स कहलाता है, यही हमने बताया। और हमने क्या कहा, हमने कहा ट्रेकिया, वो तो हम बता चुके, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एल्वियोलाई एक्सचेंजिंग पार्ट बनाती है, तो इसमें जो डक्ट हैं यहाँ पे डक्ट होगी और एल्वियोलाई यहाँ, तो बता नहीं सकते, तो बस को ध्यान रखना कि डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एल्वियोलाई क्या एक्सचेंजिंग पार्ट बनाते हैं। तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, सी शेप कार्टिलेजनस रिंग होती हैं ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल तक, और ये हाईलाइन कार्टिलेज की बनी होती हैं। अब बात करें लेरिंग्स के, लेरिंग्स को कहते हैं साउंड बॉक्स, जो कि कार्टिलेजनस बॉक्स एक,
यह नाइन का अर्रे से बना होता है जिसमें तीन पेयर होते हैं, तीन अनपेयर्ड होते हैं। तीन पेयर हैं तो छः हो गए और तीन अनपेयर्ड हैं तो तीन हो गए, टोटल हो गए नौ। तीन जो पेयर्ड होते हैं थायराइड कार्टिलेज, लार्जेस्ट का जो पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं, जो अनपेयर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं थायराइड, एपिग्लोटिस एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। ये तीन कार्टिलेज होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, बाकी छः होते हैं ऐसे जो पेयर्ड होते हैं। अब ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है ये लार्जेस्ट कार्टिलेज है, ऐसा ही हम पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और लार्जेस्ट ग्लैंड हम पढ़ चुके पहले चैप्टर में, लीवर थी हमारी बॉडी की। तो ये थायराइड कार्टिलेज की बात करें तो ये लार्जेस्ट कार्टिलेज है। और मिड वेंट्रल प्रोजेक्शन जो पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल या लेरेंजियल प्रोमिनेंस कहते हैं, इसी को एडम्स एप्पल या लेरेंजियल प्रोमिनेंस कहते हैं। बात करते हैं कंडक्टिंग पार्ट की। कंडक्टिंग पार्ट की अगर हम बात करें तो इसके चार काम होते हैं, कंडक्ट एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एल्वेलाई, कंडक्ट एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एल्वेलाई, एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई तक एयर को कंडक्ट करती है, क्लियर एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल से इसको एयर को क्लियर करती है। फॉरेन पार्टिकल एंटीजन से, कोई अगर पैथोजन है उसमें तो उसको कंडक्टिंग पार्ट हमारा क्लियर कर देता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है एंड ब्रिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो ये चार काम इसके याद रखना कंडक्टिंग पार्ट पे, टिप पे। कंडक्टिंग पार्ट के काम क्या क्या हैं, कंडक्ट एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एल्वेलाई, क्लियर द एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफिकेशन, ब्रिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट की अगर हम बात करें तो एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, ये एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, ये एक्सचेंजिंग पार्ट क्या है, एक्चुअल साइट है गैसेज के डिफ्यूजन में। ये एक्सचेंज पार्ट की हम बात करें तो एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जैसे ऑक्सीजन और CO2 का, किसके बीच, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच। ये एक्सचेंज पार्ट की जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन का, एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, गैसेज कौन सी, ऑक्सीजन और CO2 का, किसके बीच, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच। हम बात करें रेस्पिरेशन के, तो रेस्पिरेशन में पांच स्टेप होते हैं, कौन कौन से रेस्पिरेशन में कितने स्टेप होते हैं, पांच। सबसे पहला ब्रीदिंग, या इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। फिर डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन यानी कि एक्सचेंज, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी कि एक्सचेंज, फिर यूटिलाइजेशन। यानी पांच स्टेप को हम देखते हैं। जो पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, इसे हम ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहेंगे। यह डेफिनेशन अलग है, क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन करते वक्त यह ध्यान रखना कि अगर हमसे कह रहा है ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन टू लंग एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज ड्रॉन आउट, इसे हम कहेंगे ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। जबकि हमने उसको क्या कहा था, रेस्पिरेशन किसको कहा था, ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सेल में आना और सेल की CO2 का एटमॉस्फेयर में जाना, ये क्या कहलाया था, ब्रीदिंग, या कॉमनली इसको हमने रेस्पिरेशन कहा था, उसे को हम रेस्पिरेशन कहा था, या कॉमनली हमने उसे ब्रीदिंग भी कह दिया था। लेकिन दोनों डेफिनेशन एक दूसरे में अलग हैं, क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना। एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजन दूसरा पार्ट क्या है, एक्सचेंज, पहला तो हमने सांस लिया, ब्रीदिंग किया, एटमॉस्फेरिक एयर हमारी बॉडी में आ गई ब्रीदिंग से, ठीक, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इनटू लंग एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज ड्रॉन आउट, एल्वेलाई में आ गई। अब क्या होगा, एक्सचेंज होगा। दूसरा स्टेप क्या है, एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड, एल्वेलाई और ब्लड। यहाँ पे देखो, पहले एटमॉस्फेयर से ये यहाँ दिखाया गया, एटमॉस्फेयर से ये लंग्स के अंदर आई, यहाँ एल्वेलाई के अंदर आई, और CO2 गई कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, यहाँ से CO2 एटमॉस्फेयर में गई और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्वेलाई में आई। ये क्या हुआ, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ। अब ये एल्वेलाई से ऑक्सीजन कहाँ आएगी, ब्लड वेसल्स में। ये देखो, आपको ब्लड वेसल्स दिखाई गई है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या भरा है, ब्लड। तो किसके बीच एक्सचेंज हो रहा है,
एल्वेलाई और ब्लड के बीच ये एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो ब्लड में आएगी ऑक्सीजन आ गई। अब ब्लड ये ट्रांसपोर्ट होकर इसे जाना कहाँ है, टिश्यू में। तो ये ट्रांसपोर्ट होकर अब जाएगी और फिर एक्सचेंज होगा दूसरा कहाँ, ब्लड और टिश्यू के बीच। तो ये जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज है पहला, एल्वेलाई और ब्लड के बीच ये एक्सचेंज दिखाया गया। एक्सचेंज और डिफ्यूजन भी इसे कॉमनली कहते हैं, ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड। तो पहले क्या हुआ, ब्रीदिंग, फिर क्या हुआ, एक्सचेंज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड। दूसरा एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, पहला एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, एल्वेलाई और ब्लड के बीच, ये ध्यान रखना। फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट होके जाएगा फिर नीचे आओ, यहाँ पे क्या होगा, फिर से एक्सचेंज होगा, ट्रांसपोर्ट होके आया, ये ट्रांसपोर्ट आपने देख लिया कि ट्रांसपोर्ट होके आया, फिर चौथे स्टेप पे फिर से दोबारा एक्सचेंज होगा। अब एक्सचेंज किसके बीच होगा, गैसेस का, बिटवीन द ब्लड एंड एल्वेलाई, ब्लड एंड टिश्यू। ये देखो ब्लड से यहाँ आएगा टिश्यू के अंदर, या इसी को सेल कह सकते हो, ब्लड या टिश्यू में आएगा। ये ब्लड में ऑक्सीजन जो है ये कहाँ आएगी, टिश्यू में। अब ये जो टिश्यू में CO2 है ये कहाँ जाएगी, ब्लड में। तो CO2 को दे देगा ब्लड को, और ब्लड में, ब्लड ने जो ऑक्सीजन ले, ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आया वो ले लेगा सेल। अब ये ऑक्सीजन जो आएगी ग्लूकोज से बाइंड करेगी, ग्लूकोज से बाइंड करेगी तो ये टूटेगा, CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। अब इस एनर्जी का यूज़ एनिमल्स अपनी वेरियस एक्टिविटी के लिए करेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में कितने स्टेप पड़े थे हमें, प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपको याद हो तो, हमारे अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ O2। सेलुलर रेस्पिरेशन पांचवा स्टेप क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला स्टेप क्या था, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एल्वेलाई, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन ही था, ये जो दिखाई गई है, ऑक्सीजन ग्लूकोज से बाइंड किया, CO2, वाटर, एनर्जी रिलीज हुआ, ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। कितने स्टेप थे हमारे अंदर, 3, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और ATS, 3 स्टेप थे सेलुलर रेस्पिरेशन में, प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपको याद हो तो, जमाना हुआ करता था हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े थे, शायद ही आपको याद हो, आपने पढ़ा ही नहीं होगा, उसको रिवाइज किए होगे तो याद होगा, रिवाइज नहीं किए होगे तो याद नहीं होगा। हालांकि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आप आसानी, अगर उसको पढ़ें तो उसके नोट्स और उसके बाद थ्योरी अगर पढ़ें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया है कि सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखो ये ट्रेन दिखाया गया है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी दिखाई गई है, थोरेसिक चैम्बर है जो कि एयर टाइट चैम्बर है। अब इसमें जो हम थोरेसिक कैविटी में जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डायरेक्टली चेंज, उसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। हम चेंज क्या करेंगे, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करेंगे और वो रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम में। देखो और हम बात करें लंग्स की, तो ये कहाँ सिचुएटेड है, थोरेसिक कैविटी में। ये थोरेसिक वॉल्यूम दिखाया गया आपको और ये लंग्स का पल्मोनरी वॉल्यूम कहलाता है। थोरेसिक कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, डोम शेप होता है, डायाफ्राम डोम शेप होता है, गुंबद के आकार का। अब लंग्स की बात करें तो इनको पीछे से हमारी पीठ की तरफ से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम, डोर्सली, हमारी पीछे से पीठ की तरफ से कौन, पीठ की तरफ से अगर बात करें तो कौन इसको हमारे बैक साइड से प्रोटेक्ट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली अगर हम बात करें तो स्टर्नम, हमारे सामने से सीने की तरफ से कौन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टर्नम। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में इसमें हम आपको पढ़ा देंगे, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, डायफ्राम। लेटरल साइड, नीचे की तरफ से रिब्स, बगल की तरफ से कौन दे रहा है इसको प्रोटेक्शन, रिब्स दे रही हैं, और नीचे से डायाफ्राम, लोअर साइड बाय डायाफ्राम। तो अगर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो ये लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी विच आर एनाटॉमिकली टाइट चैम्बर है, लंग्स ये जो एनाटॉमिकली टाइट चैम्बर है, तो हम बात करें कि
थोरेसिक चैम्बर इज़ फॉर्म्ड बाय, थोरेसिक चैम्बर बना किससे है, थोरेसिक चैम्बर बना किससे है, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स और डायफ्राम से बना है। डायफ्राम की अगर हम बात करें तो मैमल्स का कैरेक्टर है। डायफ्राम किसका कैरेक्टर है, मैमल्स का। तो ऐसे पूछेगा कि लंग्स को डोर्सली को लंग्स आर थोरेसिक कैविटी में, जो थोरेसिक चैम्बर है ये डोर्सली प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरल साइड बाय रिब्स एंड लोअर साइड बाय डायफ्राम। लंग्स हमारे कहाँ से सिचुएटेड हैं, थोरेसिक कैविटी में, जो कि एक एनाटॉमिकली टाइट चैम्बर है। और एक किससे बना है, अगर थोरेसिक चैम्बर की हम बात करें तो ये डोर्सली किससे बना है, वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सली किससे बना है, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरल साइड बाय रिब्स एंड लोअर साइड बाय डायफ्राम। तो थोरेसिक चैम्बर डोर्सल साइड में किससे बना है, वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, लोअर लेटरल साइड में रिब्स हैं और लोअर साइड में डायफ्राम है। डायफ्राम एक मैमल्स का कैरेक्टर है, ये मैमल्स का मैमेलियन कैरेक्टर है। जो भी चेंज होगा थोरेसिक कैविटी में वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ये जो थोरेसिक कैविटी का वैल्यूम है इसमें अगर कोई चेंज होगा तो रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, पल्मोनरी वैल्यूम में। इसलिए हम पल्मोनरी वैल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पहले हमें थोरेसिक वैल्यूम को चेंज करना होगा, तब ये पल्मोनरी वैल्यूम चेंज होगा। हम बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। तो ब्रीदिंग की दो स्टेज होती हैं, ब्रीदिंग की दो स्टेज होती हैं, कौन कौन सी, एक होता है इंस्पिरेशन और होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन हम जो सांस लेते हैं उसको इंस्पिरेशन कहते हैं और जो सांस छोड़ते हैं तो एक्सपिरेशन कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इंस्पिरेशन में ये एक्टिव होता है, इसमें केमिकल एनर्जी का यूज होता है, केमिकल एनर्जी ATP। तो ये एक्टिव प्रोसेस होती है इंस्पिरेशन, और एक्सपिरेशन की अगर हम बात करें तो ये पैसिव प्रोसेस होती है। इंस्पिरेशन कब होगा, जब पल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में कम होगा तो इंस्पिरेशन होगा, और एक्सप्रेशन कब होगा, जब लंग का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। लंग्स का प्रेशर यानी पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में। तो इन प्रेशर ग्रेडियंट को कौन डेवलप करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट बात करें हम प्रेशर ग्रेडियंट का, तो कौन इनसे कौन सा, मसल्स के द्वारा। प्रेशर ग्रेडियंट किसके द्वारा मेंटेन होता है, मसल्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे देखो डायाफ्राम मसल कौन कौन सी हैं, डायाफ्राम ने इंटरकोस्टल मसल्स, डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती हैं। तो डायाफ्राम की अगर हम बात करें तो इसके जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हम सांस लेते हैं डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से ये फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैट हो जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स की अगर हम बात करें, इंटरकोस्टल मसल्स की अगर हम बात करें तो कहाँ होती हैं, रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, और ये दो तरीके होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, दो तरह की होती हैं ये, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब बात करें डायफ्राम की, तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाता है, और वैल्यूम कैसे, थोरेसिक वैल्यूम को कैसे बढ़ाएगा, एंट्रोपोस्टेरियर एक्सिस में। डायाफ्राम देखो ऐसे होता है डम सेव, अब जब ये ऐसे था और ये देखो मैं बना ही देता हूँ ट्रंक पूरा, ऐसे था ये ऐसे था, अब ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होगा तो कैसे होगा, फ्लेट होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तब ये वैल्यूम कैसे बढ़ रहा है, एंट्रोपोस्टेरियर एक्सिस में। देखो ये पहले ऐसे था अब नीचे आ गया, तो ऐसे वैल्यूम बढ़ रहा है ना, ऊपर नीचे बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंट्रोपोस्टेरियर। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे एंटेरियर कहते हैं, नीचे वाला पार्ट पोस्टेरियर कहलाता है, एंट्रोपोस्टेरियर एक्सिस में। तो बात करें हम डायाफ्राम की, तो डायाफ्राम थोरेसिक वैल्यूम को कैसे बढ़ाता है, एंट्रोपोस्टेरियर एक्सिस में। ये समझ में आ गया कि इंस्पिरेशन की शुरुआत कौन कराता है, डायफ्राम। इंस्पिरेशन की शुरुआत कैसे होती है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से। सीधे क्वेश्चन आएगा, नॉट इंटरकोस्टल मसल से, एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल नहीं करना है, सीधे हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि
इंस्पिरेशन की शुरुआत कौन कराता है? इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। वो कैसे इंक्रीज करेगा थोरेसिक वॉल्यूम को? एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस में, ये देखो। और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैसे फ्लैट हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इससे क्या होगा, देखो पहले वॉल्यूम इतना था, अब इतना हो गया, पहले इतना ही था। हम बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, तो ये दो तरीके होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन के, इनके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? इंक्रीज इन डोर्सो एंड वेंट्रल एक्सिस में। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा? डोर्सो एंड वेंट्रल एक्सिस में। हमारा सीन है आगे की तरफ से लिफ्ट ऑफ स्टर्नम। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स सीधे सीधे आंसर क्या करना है? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। ये क्या करेंगी? रिब्स और स्टर्नम को बाहर की तरफ खींचेंगी, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा आगे और पीछे की तरफ। आगे की तरफ जब सीना बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। सीना बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है अब की? पहले बढ़ रहा था ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे, तो ये क्या था, एंट्रो पोस्टीरियर। अब इस तरह बढ़ेगा, तो इसे हम कहेंगे डोर्सो वेंट्रल। जैसे ये फिगर है, अरे मान लो ये आप हो, ये आप हो, ये मैंने आपका फिगर बनाया है, ये आपके हाथ हैं, ये आपके हाथ हैं, और ये आपका पैर है। तो इसके पीछे साइड जो होगा, बैक साइड, उसे हम कहेंगे डोर्सल साइड। और इसके ये जो साइड सामने दिख रहा है, ये वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल साइड ये आगे की तरफ, अगर ये वेंट्रल साइड जो हमने दिखाया है, ये आगे की तरफ अगर खींचा है, आगे की तरफ अगर खींचे, सीना बाहर निकले, तो और तो ये कैसे इंक्रीज हो रहा है? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, करेक्ट। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, वॉल्यूम इंक्रीज इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो एंड वेंट्रल एक्सिस। तो सीधे क्वेश्चन आएगा कि इंस्पिरेशन की शुरुआत कैसी होती है? डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से, जिससे क्या होता है, वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने की वजह से वॉल्यूम एंट्रो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ती है। डायाफ्राम वॉल्यूम को, थोरेसिक वॉल्यूम को एंट्रो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ाते हैं, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो वॉल्यूम को डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ाते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, और वॉल्यूम को डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ाती है। अब यहाँ पे लगेगा बॉयल्स लॉ, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये क्या है? बॉयल्स लॉ। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। यहाँ पे लगेगा, देखो अब क्या होगा, जब हमारे अंदर सांस लेते हैं तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये देखो, जब इंस्पिरेशन की शुरुआत होती है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम बढ़ा थोरेसिक चैम्बर का। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है, प्रेशर जैसे ही घटता है, जैसे ही लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, वैसे ही क्या होता है, इंस्पिरेशन हो जाता है। कैसे कम हुआ? हमने कहा जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट होता है, जिससे क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है, और थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है, रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम में। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ, प्रेशर घटा। अब जब प्रेशर घटेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ आ जाएगी, लंग्स के अंदर। और ऐसे ही अपोजिट रिएक्शन होगी, जब हम एक्सप्रेशन करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है ये रिलैक्स करती हैं, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती हैं, जिससे जब रिलैक्स करती हैं तो क्या होगा, डम्प शेप होगा तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब जैसे ही लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम इन्वॉल्व होते हैं इंस्पिरेशन में।
इंस्पिरेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम कहाँ इन्वॉल्व होती हैं इंस्पिरेशन में? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, नॉट डायाफ्राम, ध्यान रखना। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व इन, एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन, ये भी कह सकते हो। एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स कहाँ इन्वॉल्व होती हैं एक्सप्रेशन में? अब बात करें ब्रीदिंग रेट की, तो ब्रीदिंग रेट हम एक मिनट में कितने बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं? 12 to 16 times per minute। हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे ब्रीदिंग रेट स्लोवेस्ट कब होता है? जब हम सो रहे होते हैं तो ब्रीदिंग रेट स्लोवेस्ट होता है। ब्रीदिंग रेट स्लोवेस्ट कब होता है? जब हम सो रहे होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग को हम कहते हैं यूपनिया। यूपनिया कहते हैं। और ऑब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग को क्या कहते हैं? ऑब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग को हम कहते हैं एपनिया, ये याद रखना। स्विट ऑब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एपनिया। अगर CO2 कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ जाए, CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाए, इससे क्या होगा? ब्रीदिंग भी बढ़ जाएगी। ब्लड में अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ब्रीदिंग भी इंक्रीज करेगी। CO2 का कंसंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, फोर्स डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो कभी कभी देखो कि टेम्परेरी स्टॉपेज, वो हम फोर्स डीप ब्रीदिंग करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं और छोड़ने लगते हैं जब हम रेस्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाता है ब्लड में, लिटिल CO2 इन ब्लड। CO2 जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो हम क्या होता है? फोर्स डीप ब्रीदिंग करने लगते हैं। इसे हम कहते हैं टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग। और अगर CO2 अगर बढ़ जाता है, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, इससे भी होता है कि हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करें तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम मेज़र किस में करते हैं? स्पायरोमीटर में। इसको हम किस में मेज़र करते हैं? स्पायरोमीटर में। रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम है इनको हम किस में मेज़र करते हैं? स्पायरोमीटर में। स्पायरोमीटर में अब बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। हम नॉर्मल जो सांस लेते हैं और नॉर्मल जो सांस छोड़ते हैं उसे को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जैसे हमने एक सांस ली, उसके बाद सांस छोड़ी नॉर्मली, एक बार सांस ली एक बार सांस छोड़ी, उसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? 500 ml, या कह सकते हो 500 ml, या कह सकते हो 6 to 8 liters per minute। नॉर्मल हमने सांस ली और नॉर्मल सांस छोड़ी, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। और इसके वॉल्यूम ये कितना होता है? 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर हम बात करें IRV की, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, डेफिनेशन क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सिबली जितना हम इंस्पायर कर सकते हैं। और ये होती कितनी है? 2500 to 3000 ml। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सिबली, पहले हम नॉर्मल सांस हमने लिया, फिर हम तेज़ी से सांस लेते हैं, फोर्स डीप ब्रीदिंग लो, बहुत तेज़ी से फोर्सिबली तेज़ी से सांस लो, पहले हमने देखो ऐसे लिया,
सीधे सांस ली, सीधे छोड़ी, फिर हम क्या करेंगे, खूब तेज़ी से सांस लेंगे, बहुत ज़्यादा अंदर गहराई तक गहरी सांस लेंगे, तो उसे हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सिबली, बहुत फोर्स लगा के, जो 2500 से 3000 ml होता है, इसे हम कहते हैं IRV। यहाँ पे देखो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें ERV, इसे हम कहते हैं ERV। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सिबली, और फोर्सिबली हम निकाल कितना सकते हैं 1000 से 1100 ml, फोर्सिबली हम ले कितना सकते थे 2500 से 3000 ml, लेकिन छोड़ कितना सकते हैं फोर्सिबली, बहुत ज़्यादा जोर लगा के, जैसे नॉर्मल तो हमने करा, पहले 500 आई, सीधे हमने सांस ली 500 आई, फिर सीधे हमने सांस छोड़ी एकदम नॉर्मल, तो कितना 500 निकल गई, लेकिन हम बहुत और कस के निकालें सांस, ऐसे खूब कस के सांस निकालें, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन जाएगा। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सिबली, फोर्स लगा के जितना हम निकाल सकते हैं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल हम बैठे हैं सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं 500 ml, और हम खूब तेज़ी से सांस लिए जानबूझ के, फिर तेज़ी से जानबूझ के ज़्यादा से बहुत ज़्यादा से सांस छोड़े, उसे हम कहेंगे ERV। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सिबली, और कितनी होती है 1000 से 1100 ml। अब बात करते हैं हम रेसिड्यूअल वॉल्यूम के बारे में, आरवी के बारे में। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स, इसे हम निकाल नहीं सकते हैं, रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। हमने पहले नॉर्मल एक्सप्रेशन में हमने क्या निकाला TV, उसके बाद हमने और जोर लगाया तो क्या निकाल दिया हमने ERV। इसके बाद हमारे लंग्स के अंदर क्या बचा रह जाएगा, RV, इसे हम कहेंगे रेसिड्यूअल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सिबल एक्सप्रेशन, फोर्सिबल एक्सप्रेशन के बाद क्या बचेगा, RV, और ये कितनी होती है 1100 से 1200 ml, ये होती है 1100 से 1200 ml। तो पहले क्या था, नॉर्मल कितना 500 ml, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, फिर हम फोर्सिबली कितना इंस्पायर कर सकते हैं 2500 से 3000 ml, फिर फोर्सिबली हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं 1000 से 1100 ml, और कितनी बची रह जाती है फोर्सिबल एक्सप्रेशन करने के बाद, बची रह जाती है लंग्स में, RV उसे कहते हैं, और ये 1100 से 1200 ml होती है। अब बात करते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी की, पल्मोनरी कैपेसिटी। अब देखो कैपेसिटी, वहाँ हम कह रहे थे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सिबली, एडिशनल टर्म यूज़ कर रहे थे, ध्यान रखना, यहाँ हम टर्म यूज़ करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, टोटल वॉल्यूम पर्सन जितनी इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, उसे हम कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखो इसको ऐसे समझो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, टोटल इंस्पायर कितनी कर सकते हैं, पहले तो नॉर्मल हम कितनी इंस्पायर कर सकते हैं TV, उसके बाद हम और फोर्स डीप में कितनी ले सकते हैं IRV। तो हम इसको नॉर्मल में लिए और फोर्स लगा के इसको लिए, सांस लिए, तो हम फोर्सिबली आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद, पहले हम नॉर्मल एक्सप्रेशन किए TV, कह रहा है आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, तो नॉर्मल एक्सप्रेशन में हम क्या छोड़ते हैं TV, तो पहले हम TV वापस लेंगे, नॉर्मल एक्सप्रेशन में TV आई, उसके बाद जोर लगा के हम सांस लेंगे तो IRV आ जाएगी, तो IRV और TV क्या बन जाएगी IC, तो इसे कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। हम बात करते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के बारे में, इसे हम EC कहते हैं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल सांस लेने के बाद हम कितनी निकाल सकते हैं फोर्स लगा के, कितनी हम निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखो TV हो जाएगा, पहले देखो कह रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर IRVEC की हम बता रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, यहाँ पे था इंस्पायर और यहाँ पे लगाना है एक्सपायर, आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन की जगह इंस्पिरेशन कर देना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में हमने कितनी ली 500, तो 500 निकालेंगे, उसके बाद जोर लगा के ERV भी निकाल देंगे, तो TV प्लस ERV क्या बन जाएगा EC, तो TV प्लस ERV क्या बन जाएगा EC बन जाएगा। टी
ईवी प्लस ईआरवी क्या बन जाएगा, ईसी बन जाएगा। हम बात करते हैं एफआरसी के बारे में, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन किया हमने, हमको पता है कि नॉर्मल एक्सपिरेशन में हम क्या निकाले, टीवी, टीवी निकाल दिए, और हम क्या निकाल सकते थे, ईआरवी निकाल सकते थे, ईआरवी, और लंग्स में आरवी भी है जिसको हम निकाल नहीं सकते, तो इसको तो हमने निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल नॉर्मल एक्सप्रेशन में ये टीवी हमने निकाल दिया। अब बचा क्या, ईआरवी और आरवी बचा, तो इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, एफआरसी। इन दोनों को हम मिला के क्या कहेंगे, एफआरसी, ईआरवी प्लस आरवी, इसे हम क्या कहेंगे, एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में, वाइटल कैपेसिटी की हम बात करें तो इसे हम वीसी कहते हैं। ये क्या होगी, टाइडल वैल्यूम प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी। नॉर्मल ऐसे क्या कहते हैं, टोटल वैल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। कितना हम ले सकते हैं, कितना हम ले सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी एयर होगी, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद तो हम टीवी लेंगे पहले, फिर आईआरवी लेंगे, आईआरवी लेंगे, और ईआरवी हमारी बॉडी में थी ही, तो टीवी ईआरवी आरवी बना क्या बन गया ये, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ। मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी पर्सन ब्रीथ करती है आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन के बाद। हम फोर्सबली एक्सप्रेशन में कितनी निकाल देते हैं, 1000 से 1100 फोर्स एक्सप्रेशन में, उसे हम ईआरवी कहते हैं। तो कह रहा है इसके बाद हम कितना पर्सन कितना ब्रीद कर सकता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन। तो फोर्स्ड एक्सप्रेशन में हमने क्या निकाला, पहले हमने क्या निकाला था, टीवी, तो टीवी को वापस लेंगे, फिर हमने क्या निकाला, जो आईआरवी निकाला फोर्स्ड एक्सप्रेशन से पहले हमने आईआरवी निकाला, ठीक, वो फोर्स्ड एक्सप्रेशन से हमने ईआरवी निकाला, उस ईआरवी को हमने पहले वापस लिया, ईआरवी आया, फिर हमने नॉर्मल एक्सप्रेशन में, जो नॉर्मल एक्सप्रेशन में जो हम टीवी लेते थे वो लेंगे, वो सांस लिए टीवी में, और फिर हमने कहा था कि फोर्सफुली इंस्पायर कितना कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, आईआरवी। तो क्या बन गया, टीवी, ईआरवी और आईआरवी, तो इसे हम क्या कहेंगे, वीसी। ये तुमने कहा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद आफ्टर फोर्स्ड एक्सप्रेशन के पास कितनी ब्रीद कर सकता है, तो पहले फोर्स एक्सप्रेशन में हमने ईआरवी निकाला तो उसको वापस लेंगे, फोर्स एक्सप्रेशन में हमने ईआरवी को निकाला उसको वापस लेंगे, फिर हम नॉर्मल वाली लेंगे टीवी, फिर हम फोर्स एक्सप्रेशन भी करते हैं, फोर्स भी ले सकते हैं, तो आईआरवी आ जाएगा। तो इन तीनों को मिला के हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। अब टीएलसी की बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम बचता है, तो सबको जोड़ दो, आई आर वी, टी वी, आरवी भी आ जाएगा, आरवी भी आ जाएगा। अब बताओ टोटल कितनी वॉल्यूम है, इसे हम कहेंगे टीएलसी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, इसे हम कहेंगे टीएलसी। अब एक क्वेश्चन हमें बताओ कि जैसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम को मेज़र नहीं कर सकते हैं, हमारी बॉडी की उसको हम निकाल नहीं सकते, तो मेज़र भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स एक्सप्रेशन में हम क्या निकाल देते हैं, ईआरवी भी निकाल देते हैं, टीवी भी निकाल देते हैं, आईआरवी निकाल देते हैं, लेकिन इसको नहीं निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी आरवी की नहीं पता है कि कितनी होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, कैसे 1000 से 1100 इसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि कितनी वैल्यूम है जो डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं, इनकी वैल्यू नहीं बताई जाती हैं, जैसे आरवी की, आरवी में एफआरसी आ गया, आरवी और एफआरसी में भी तो आरवी आता है, और टीएलसी में भी तो एफआरसी आता है, तो इनको हम डायरेक्टली बता सकते हैं, नहीं, कितनी होंगी डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, इनको स्पायरोमीटर में मेज़र कर सकते हैं, नहीं मेज़र कर सकते हैं कि कितनी होंगी। तो तीन वैल्यूम टोटल ऐसे हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं,
आरवी, एफआरसी, टीएलसी। अब देखो एक फिगर दिया गया है, यह फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हम कोई भी फार्मूला आसानी से कैलकुलेट करेंगे। पहले देखो ये क्या है, आईआरवी, ये आपको आईआरवी दिखाया गया है, यहाँ पे आईआरवी दिखाया गया है, ये टीवी है, ये ईआरवी है और ये आरवी है, ठीक। अब हम इस तरह फिगर आप बनाओगे, ऊपर लिखोगे आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी, इस तरह लिख लोगे। अब आईआरवी और टीवी को दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आईसी बन जाएगा। आईआरवी और टीवी जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आईसी बन जाएगा। फिर टीवी और ईआरवी को जोड़ोगे तो ईसी बन जाएगा, ईआरवी और आरवी को जोड़ोगे तो एफआरसी बन जाएगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो वीसी बन जाएगा, इसको, इसको और इसको जोड़ दें तीनों को तो क्या बन जाएगा, वीसी बन जाएगा। और अगर हम पूरे को ही जोड़ दें चारों को तो क्या बन जाएगा, टीएलसी बन जाएगा। समझ गए। अब देखो जैसे हमें वीसी कैलकुलेट करना है तो इस फिगर से कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे आईसी, आईसी और ईआरवी को जोड़ दो क्या बन जाएगा, वीसी। तो ये आईसी है, आईसी में क्या है, आईआरवी और टीवी, आईसी में क्या है, आईआरवी और टीवी, और अगर ईआरवी भी जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, वीसी बन जाएगा, वीसी बन गया। तो आईसी में अगर हम ईआरवी जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, वीसी बन सकता है। एफआरसी देखो, एफआरसी में क्या होता है, अगर टीएलसी से हम आईसी निकाल दें, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, टीएलसी, टीएलसी में आईसी हमें निकालना है, आईसी क्या है, ये दोनों ऊपर वाले, इसको हम हटाते हैं पहले। ये देखो ये पूरा क्या है, टीएलसी दिखाया गया, ये टीएलसी में ये इतना पर्सन क्या है, आईसी है, ये इतना। अगर टीएलसी से हम आईसी निकाल देते बचेगा क्या, ये वाला बचेगा पर्सन, और इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ईआरवी, और ये क्या है, आरवी। तो ईआरवी, आरवी दोनों ये मिलके क्या बना देंगे, एफआरसी बना देंगे, इस तरह भी निकाल सकते हो। तो एफआरसी को हम क्या कर सकते हैं, टीएलसी माइनस आईसी कह सकते हैं। और वीसी क्या हो सकता है, टीएलसी में से अगर हम आरवी निकाल दें तब भी वीसी बन जाएगा। तो ये पूरा देखो, और देखो ये पूरा टीएलसी है, इसमें से हमने इस आरवी को निकाल दिया तो ऊपर वाला पर्सन, तीनों बचे ऊपर वाले, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, ये बन गया वीसी। तो ये भी कह सकते हैं कि टीएलसी माइनस आरवी, टीएलसी में से आरवी अगर निकाल दें तो क्या बन जाएगा, वीसी। और वीसी क्या बन सकता है, देखो अगर ईसी में आईआरवी जोड़ दें तब भी वीसी बन जाएगा। तो ईसी क्या है, ये वाला देखो चौथा वाला, वीसी में कह रहा है ईसी में अगर आईआरवी जोड़ दो तो ईसी क्या है, ये दोनों ईसी हैं, यही ईसी में अगर हम ये आईआरवी ऐड कर दें तो पूरा ये तीन बन गया, इसे हम वीसी कहेंगे। तो आप कोई भी ये वाले फिगर से आप कोई भी फार्मूला आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सीधे क्या करेंगे, चार लाइन बनाएंगे, ऐसे चार लाइन बना लेंगे, ऐसे चार लाइन बनाएंगे, इसको लिखेंगे आईआरवी, फिर टीवी, फिर ईआरवी, फिर आरवी। अब इसी तरह जोड़ देंगे, पहले ऊपर वाले को बनाएंगे आईआरवी टीवी बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आईसी। इन दोनों को जोड़ दें तो वीसी, तीनों को जोड़ दें तो वीसी, और अगर इन चारों को जोड़ दें तो टीएलसी। सिर्फ इन नीचे वाले को दो को जोड़ें, ईआरवी और आरवी को, तो ये क्या बन जाएगा, एफआरसी। तो इस तरह से कोई भी फार्मूला आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम पढ़ रहे थे स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, पहला हमने पढ़ा ब्रीदिंग में हमने क्या क्या, सांस लिया, उससे हमारे सांस कहाँ आई, जो हम ब्रीदिंग पढ़ रहे थे, ब्रीदिंग पढ़ा, या पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम तक हमने कंप्लीट किया। हम पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उन्हीं पांच स्टेप में दूसरे और चौथे स्टेप पे एक्सचेंज हो रहा था, अभी आपको हमने दिखाया था, दूसरे और चौथे स्टेप पे एक्सचेंज हो रहा था। पानी पीता हूँ मैं पहले। ये देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूज़न, जो एक्सचेंज हो रहे थे पांचों जो स्टेप थे वो किससे हो रहे थे, डिफ्यूज़न की वजह से। वहाँ पे कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, पैसिव आंसर नहीं करना है, डिफ्यूज़न करोगे आंसर, वहाँ पे पैसिव ट्रांसफर नहीं, वो डिफ्यूज़न था, याद रखना डिफ्यूज़न। यहाँ पे देखो डिफ्यूज़न, अब देखो ये एल्वेलाई दिखाई गई है तुमको, एल्वेलाई दिखाई गई है, ब्लड वेसल्स दिखाई गई है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या भरा है, ब्लड भरा है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड भरा है। अब यहाँ पे जो एल्वेलाई और ब्लड के बीच एक्सचेंज हो रहा था, तो एल्वेलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेलाई क्या थी,
प्राइमरी साइड थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और टिश्यू की बात करें तो सेकेंडरी साइड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो दूसरा स्टेप यही है, दूसरा स्टेप यही था ना, दूसरा स्टेप था। तो ये टू और फोर जो लगा ये स्टेप को बता रहे हैं कि दूसरा स्टेप क्या था। दूसरा स्टेप पे क्या हुआ था, एक्सचेंज हुआ था कहाँ पे, एल्वेलाई और ब्लड के बीच। तो एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और अगर हम बात करें यहाँ फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा एक्सचेंज कहाँ पे हुआ था, ब्लड और टिश्यू के बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच। तो टिश्यू आर सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये चौथा स्टेप था रेस्पिरेशन में। ये ब्लड देखो, ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ आई, सेल में, और सेल की CO2 कहाँ गई, यहाँ आ गई, यहाँ की CO2 कहाँ गई, यहाँ आ गई, और ये ऑक्सीजन कहाँ आई, ब्लड वेसल्स में आ गई। तो समझ गए पहला एक्सचेंज कहाँ हुआ, एल्वेलाई। तो क्वेश्चन क्या हुआ, एल्वेलाई आर द, क्वेश्चन क्या पूछेगा उनसे कि प्राइमरी साइड कौन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एल्वेलाई, सेकेंडरी साइड कौन है, टिश्यू। ये देखो यहाँ पे कुछ हम तुमको दिखाते हैं, ये नाइट्रोजन है जैसे, ये ऑक्सीजन है, ये CO2 है। तो इन सब सारी गैसेस का प्रेशर क्या कहलाता है, इन सारी गैसेस का प्रेशर टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर। ये जो गैसेस इसके अंदर हैं एटमॉस्फेयर में, ये जो गैसेस दिखाई गई हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2, इन चारों गैसेस का प्रेशर जो वाल पे लग रहा है, ये वाल है, इस वाल पे जो इन चारों का प्रेशर लग रहा है इसे कहेंगे टोटल प्रेशर। अब एक पार्टिकुलर गैस को उठा लूँ इसमें से, एक पार्टिकुलर गैस का जो प्रेशर है, एक पार्टिकुलर गैस का जो प्रेशर है इसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। किसी गैसेस के मिक्सचर में, किसी गैसेस के मिक्सचर में किसी एक गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन डिपेंड करेगा तीन चीज़ों पे। पहला डिफ्यूजन डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे, कौन कौन सा, प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, तीसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसकी थिकनेस होती है लेस देन 1 मिलीमीटर। प्रेशर ग्रेडियंट सोलिबिलिटी, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह सकते हो। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस, सोलिबिलिटी CO2 की ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम ज़्यादा होगी, 20-25 टाइम्स हायर होती है सोलिबिलिटी CO2 की ऑक्सीजन से। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें तो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। अब यहाँ देखो हमने क्या बनाया, एल्वेलाई, वही जो प्राइमरी साइट था एक्सचेंज और सेकेंडरी साइट को उसी को हम फिर से बना रहे हैं। प्राइमरी साइट क्या होता, पहले एल्वेलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू, एल्वेलाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू, इसको ध्यान रखना। एल्वेलाई में अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होता है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, 40 होता है। अब देखो ये डिपेंड कैसे कर रहा है, हमने कहा ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेडियंट मतलब हाई टू लो। तो देखो यहाँ पे एल्वेलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जा रहा है 104 mmHg से 40 mmHg में, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में जा रहा है, तो यहाँ भी 95 से 40 है। अब नीचे देखो एक दूसरे के अपोजिट फ्लो है, नीचे एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे देखो 40, 45, 40, 45 पार्शियल प्रेशर CO2 का एल्वेलाई में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, टिश्यू में 45। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बताओ एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है, CO2 का या ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है या पार्शियल प्रेशर या CO2 का ज़्यादा है,
पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है 104 में एम जी। पूछेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है, CO2 का या ऑक्सीजन का? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसका ज़्यादा है, CO2 का। फिर पूछेगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है या CO2 का ज़्यादा है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। यहाँ पे देखो कुछ आंसर आपका गलत होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। टिशू में पूछेगा बताओ टिशू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, 40, और CO2 कितना होता है, 45। टिशू में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड, तो हमारे मन में आएगा डी ऑक्सीजनेटेड है तो CO2 का ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है CO2 की तुलना में, तो याद रखना हमें इस टेबल से क्या क्लियर हुआ। ये जो टेबल है ये टेबल से क्या क्लियर हुआ, क्या बताता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है ऑक्सीजन का वो एल्वेलाई से ब्लड तक होता है और ब्लड से टिशू, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इस टेबल से क्या क्लियर होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो ऑक्सीजन के लिए वो एल्वेलाई से ब्लड होता है और ब्लड से टिशू तक होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें CO2 के लिए तो एकदम अपोजिट होता है, जो ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है CO2 के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में। देखो ये लेस देन 1 मिलीमीटर दिखाई गई है, ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई में एपिथीलियम होती है, जो एल्वेलाई में अंदर जो लाइनिंग दिखाई गई है उसे हम कहते हैं एक्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वेलाई। यहाँ पे देखो ब्लड वेसल्स में जो होता है एस्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, इसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इसका एंडोथीलियम और एस्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वेलाई, इन दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस, इन दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस, और इन्हीं तीनों लेयर को मिलाकर हम कहते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इन्हीं तीनों लेयर को मिलाकर क्या कहते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन्हीं को हम कहते हैं, इन तीनों लेयर को मिला के, तब इतना आसानी से याद हो गया। अब बाकी का टॉपिक हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बाकी का हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो हम इसके क्वेश्चन भी करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो सभी लोग, और वीडियो को लाइक भी करो। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन इसके, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन है द यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। पहला क्वेश्चन दिया गया है यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिस्ट, ए क्या है, ए यूटिलाइज बाय, ए क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा पहले में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय, तो क्या यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिस्ट टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे ए में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ए में हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिस्ट टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज टू डेराइव एनर्जी, तो बी में एनर्जी हो जाएगा। फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी फॉर कैटाबोलिज्म ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड सेल एंड CO2 produced by the cell have to be released out, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, इसी को हम कॉमनली रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग भी कहते हैं, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन ब्रीदिंग या कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग या कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बताया हमने, तो हो जाएगा बी सी, यानी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो
द स्पॉन्जेज में, स्पॉन्जेज में क्या होगा, स्पॉन्जेज में किसके द्वारा होगा, एंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा। फ्लैट वर्म में किसके, फ्लैट वर्म में क्या होंगी, फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म में भी एंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। अर्थवर्म में मोइस्ट क्यूटिकल के द्वारा होगा। इंसेक्ट में किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट में ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा होगा। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स में किसके द्वारा होगा, लंग, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स में गिल्स के द्वारा होगा। तो ए का आंसर हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा, ए का तीसरा, बी का तीसरा, सी का फोर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। विच आर द फॉलोइंग कंप्राइजेस द लंग, लंग्स कौन बनाएगा, देखो सीधा क्वेश्चन आया, हमने बताया था अभी आएगा। लंग्स कहाँ से कहाँ तक था, इनिशियल ब्रोंक्स, इनिशियल ब्रोंक्योल से, इनिशियल ब्रोंक्योल से यानी प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वेलाई तक, क्या कहलाया था वो, तो यानी प्राइमरी ब्रोंकाई से स्टार्ट करो, बी सी डी, बी सी डी ई एफ जी एच, बी सी डी ई एफ जी एच, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः देखो, सिक्स नंबर देखो, इसमें कह रहा है द ह्यूमन हैव द पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव अपर लिप्स, इट लेड टू द नेजल चैम्बर, एम हो जाएगा नेजल चैम्बर, थ्रू द नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के द्वारा नेजल चैम्बर में ओपन होता था। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का देखो, सिक्स में ए में देखो दिया गया है, ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा आई थिंक, ए में नेजल चैम्बर दिया गया है, वन में, बी में नेजल पैसेज दिया गया है, दूसरे में नेजल पैसेज हो जाएगा। नेजल चैम्बर ओपन इन टू द, नेजल चैम्बर किस में ओपन होगा, नेजो फेरिंग्स में, तो तीसरे में नेजो फेरिंग्स हो जाएगा, ये देखो नेजो फेरिंग्स दिया गया है। फोर्थ में देखो, तीसरे में द नेजो फेरिंग्स ओपन थ्रू द ग्लोटिक्स ऑफ द लेरिंग्स रीजन इन टू द ट्रेकिया, फोर में आ जाएगा ट्रेकिया, फोर में ट्रेकिया दिया गया है। द फाइव क्या गया है, द लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजनस बॉक्स, ये भी हमने बताया था, लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजनस बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंक्योल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, वहाँ ब्रोंक्योल दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, एट में फिगर दिया गया है, फिगर हम बाद में करा देंगे, वैसे हम बता देते हैं, ए जो दिया गया है वो क्या है, एपिग्लोटिस दिया गया है, बी लेरिंग्स दिया गया है, सी ट्रेकिया है, ये डी क्या है, ब्रोंकस है, तो इसको आप बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग, कार्टिलेजनस रिंग कहाँ कहाँ थी, तो कार्टिलेजनस रिंग कहाँ थी, ट्रेकिया से लेके, ट्रेकिया से लेके कहाँ तक थी, ट्रेकिया से लेके इसमें आ जाएगा इनिशियल ब्रोंक्योल, ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्योल तक, यानी ए बी सी डी ई ऑप्शन आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्योल, तो ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्योल तक क्या था, यही तो कहलाता था। सी सेफ कार्टिलेजनस रिंग कहाँ पाई जाती है, मैं कहा था भी सीधे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर टेन देखो, मेज द कॉलम, मेज द कॉलम कहाँ है, कॉलम लाओ कॉलम, राहुल गांधी कहाँ है, कॉलम लाओ कॉलम, मिला है कॉलम, अभी देखो इसमें फिशेज में किसके द्वारा रिस्पिरेशन होता है, फिशेज में गिल्स होती हैं, रेप्टाइल्स में लंग्स होते हैं, ये भी हमने बताया था, सीलेंट्रेट में एंटायर बॉडी सरफेस से होगा, इंसेक्ट्स में ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा होगा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में गिल्स होंगी, तो यहाँ पे ए का हो जाएगा चौथा, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे टेन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो, द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड, किससे बना होता है कंडक्टिंग पार्ट, याद करो तो एक्सटर्नल नॉस्टिल से टर्मिनल ब्रोंक्योल तक था, और डक्ट ऑफ एल्वियोलाई क्या बनाते थे, एक्सचेंजिंग पार्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्टिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्योल, द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट किससे बना था,
रेस्पिरेटरी एक्सचेंजिंग पार्ट किससे बना था? डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड एल्वेलाई एल्वेलाई एंड देयर डक्ट। एल्वेलाई और उनकी डक्ट क्या बनाई थी? एक्सचेंजिंग पार्ट बने थे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट? के फंक्शन क्या क्या थे? ट्रांसपोर्ट एयर फ्रॉम द फॉरेन एल्वेलाई एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई तक, क्लीन एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, करेक्ट है। ह्यूमिडिफिकेशन, एयर ह्यूमिडिफिकेशन कर रहा था। ब्रिंग द एटमॉस्फेरिक एयर टू द बॉडी टेम्परेचर डी भी सही है। तो सारे काम थे तो पांचवा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 नहीं, तो ए बी सी डी ऑप्शन करेक्ट होंगे। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए बी सी डी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक्सचेंज इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। कौन सा? एक्सचेंजिंग पार्ट, इसी को रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहते हैं। एक्सचेंजिंग पार्ट या इसी को रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 का। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज फॉर्म डोर्सली बाई द वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सली ए का हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। ए में वर्टिब्रल कॉलम दोनों, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम भी है, यहाँ भी है। बी में दिया गया है द वेंट्रली बाय द स्टर्नम, तो बी में स्टर्नम होना चाहिए, यानी बी में स्टर्नम मिल गया, ए में वर्टिब्रल कॉलम मिल गया। और लेटरली बाय द लिप्स, लेटरली बाय द रिब्स, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। और लोअर साइड बाय डायफ्राम, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन द थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन पल्मोनरी कैविटी। तो ए का हो जाएगा थोरेसिक कैविटी, बी का पल्मोनरी कैविटी। द यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल एंड कैटाबोलिक रिएक्शन के लिए, ये देखो ध्यान से देखना। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन रिजल्टेंट ऑफ रिलीज ऑफ CO2, और CO2 का रिलीज होता है तो इसमें क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, सी ऑप्शन होगा सिर्फ। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और ह्यूमन में सेलुलर रेस्पिरेशन में कितने स्टेप होते हैं? तीन। कौन कौन से? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ETS। द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच इज ये देखो, ये भी हमने बताते सीखेंगे। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक इज एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियुलर रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 19 का। विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप इन रेस्पिरेशन। तो सबसे करेक्ट स्टेप क्या है? पहले हम ब्रीदिंग करेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रीदिंग, यानी बी आ जाएगा पहले ब्रीदिंग। फिर क्या करेंगे? एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज किसके बाद? एल्वेलाई और ब्लड के बीच होगा, यानी डी ई हो जाएगा। बी के बाद ई हो जाएगा, बी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद क्या होगा? फिर ट्रांसपोर्ट होगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ई ए देख लो, बी ई ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द कवरिंग ऑफ द लंग इज कॉल्ड प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेंसी हो जाएगा। द मेज द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अर्थोम में किसके द्वारा? तो मोस्ट क्रिटिकल, तो उसके लिए क्यूटेनियस हो जाएगा। वुमेन में पल्मोनरी हो जाएगा, लंग्स के द्वारा, लंग्स के लिए पल्मोनरी यूज करते हैं। प्राण में गिल्स होते हैं तो ब्रेंकियल हो जाएगा। और इंसेक्ट में ट्रेकियल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 मिला लो, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22, क्रस्टेकियन रिस्पायर थ्रू द, क्रस्टेकियंस किसके द्वारा रिस्पायर करते हैं? क्रस्टेकियंस में क्या था? गिल्स थे, क्रस्टेकियंस में गिल्स है। विच वन रिस्पायर थ्रू द गिल्स? क्रस्टेकियंस लाइक प्रॉन, गिल्स थे। द फुली ग्रो टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा जो फुली ग्रो है ऑफ फ्रॉग रिस्पायर थ्रू द गिल्स। फुली ग्रोन टेडपोल लार्वा गिल्स के द्वारा रिस्पायर करेगा। और बुकलंग आर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, बुकलंग किसके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर थे? बुकलंग्स किसमें थे? अराकिंडा के मेंबर में, स्कॉर्पियन और, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्कॉर्पियन और किसमें? जैसे स्कॉर्पियन हो गया, या फिर स्कॉर्पियन के साथ साथ और के एक बताया था स्पाइडर हो गया, तो इन सब में बुकलंग्स पाए जाते हैं। लेयर ऑफ द अनइवन कॉलमनर सेल विच ट्रेकिया इज लाइंड कंपोनेंट ऑफ, लेयर ऑफ अनइवन कॉलमनर सेल्स विच फॉर्म ट्रेकियल लाइनिंग आर कंपोनेंट ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम।
तो हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नेरीज इन नेरीज गैसेज एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, पेरापोडियो के द्वारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। मेमल्स वॉइस इज प्रोड्यूस बाय द लेरिंग्स, सी ऑप्शन हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ कॉकरोच अकर्स थ्रू द, तो कॉकरोच में पढ़ेंगे हम, फिलहाल आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, ट्रेक्योल्स। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ कॉकरोच अकर्स थ्रू द ट्रेक्योल्स। फिश ब्रॉट आउट ऑफ वाटर डाइज, यही हमने बताया था अभी, फिश को अगर बाहर निकालो तो ड्यू टू इनएबिलिटी टू रिस्पायर, इसकी वजह से डेथ हो जाती है। वोकल कॉर्ड कहाँ पाए जाते हैं, लेरिंग्स में। वोकल कॉर्ड कहाँ पाए जाते हैं, लेरिंग्स में, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको मैच करो, लेरिंग्स क्या है, विंड, लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है, तो ए का हो जाएगा आर। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है, ट्रेकिया विंड पाइप है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 30 में ए का आर, बी का एस, ट्रेकिया, ए का आर, ए का आर, बी का एस, बी का एस हुआ था, एल्वेलाई एयर सेक हैं, और एपिग्लोटिस लिड ऑफ लेरिंग्स, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए आर, बी एस, सी क्यू, डी पी। एयर इज ब्रीद थ्रो, एयर इज ब्रीद थ्रो, ट्रेकिया कौन सा सही है इसमें, एयर इज ब्रीद थ्रो। सी ऑप्शन देखो, नोस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एल्वेलाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, ये इंस्पिरेशन है ड्यूरिंग एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सप्रेशन बाई विच एल्वेलर इज रिलीज आउट, तो एम हो जाएगा इंस्पिरेशन, बीम होगा एक्सप्रेशन। द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरीड आउट बाई, द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू द लंग एंड इज कैरीड आउट बाई प्रेशर ग्रेडियंट, तो तीसरे में हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी ऑप्शन दिए गए हैं, सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में दिया है इंस्पिरेशन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग इज, इंस्पिरेशन कब होगा, जब लंग के अंदर प्रेशर लोअर होगा, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ द देयर दैट इज देयर इज नेगेटिव प्रेशर, पास में नेगेटिव कहेंगे, नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सप्रेशन जब हम करते हैं तो टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर, छः में हो जाएगा हायर, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए में इंस्पिरेशन, दूसरे में एक्सप्रेशन, तीसरे में प्रेशर, चौथे में लोअर, पांचवे में नेगेटिव, सिक्स में हायर। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर, प्रेशर विद इन द लंग इज कॉल्ड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, बी ऑप्शन हो जाएगा, 35 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर इज जनरेटेड बाय, 36 में प्रेशर ग्रेडियंट किसकी वजह से होता है, 36 की अगर हम बात करें तो प्रेशर ग्रेडियंट किसकी वजह से होता है, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, बट नॉट रिब, रिब्स नहीं इन्वॉल्व हुई थी सर, दो चीज़ें डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, और इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल आई थी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा 36 का। 37 में इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, इंस्पिरेशन की शुरुआत किसके कॉन्ट्रैक्शन से हुई थी, सीधा क्वेश्चन, डायफ्राम, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना। इंस्पिरेशन की शुरुआत किसके, सीधे लाइन तुमने बताई थी, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन, डायफ्राम कैसे बढ़ाता, एंट्रो पोस्टेरियर एक्सिस में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 38 का। 39 का द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट ऑफ द रिब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ए ऑप्शन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट ऑफ द रिब्स एंड द स्टर्नम काजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। 40 में देखो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रिब्स के बीच में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ हेल्दी वुमेन का नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 टू 16 टाइम पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 42 देखो,
द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर. सी ऑप्शन करेक्ट होगा 42 का. 43 देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सप्रेशन. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सप्रेशन फोर्सिबली हम कितना निकाल सकते थे, ERV कहते थे उसे. ये सब आंसर यहाँ पे कैसे कैसे के लिखे हैं. द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद कितने इंस्पायर कर सकते थे, उसे हम IC कहा था हमने. टोटल वॉल्यूम लगा तो कैपेसिटी आ गई. टोटल वॉल्यूम से ध्यान रखना, टोटल जो है तो कैपेसिटी होगा. तो यहाँ पे देखो IRV तो होगा ही नहीं, तो EC या IC में कोई होगा, तो IC होगा यहाँ पे. कैसे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन में हमने किया, तो नॉर्मल में TV लेंगे, उसके बाद फोर्स में IRV लेंगे, तो TV IRV बना देगा. यहाँ पे मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ. पहले हमने हम कह रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद, तो नॉर्मल एक्सप्रेशन में हमने TV निकाला. पहले हम TV को वापस लेंगे, फिर हम फोर्स में कितना ले सकते हैं IRV, तो क्या बन सकता है, ये क्या बन गया IC बन गया. सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन. नॉर्मल में कितना होता है 500, तो TV कहलाता है. वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सप्रेशन. हम फोर्स एक्सप्रेशन भी करते हैं, पहले हम TV निकाल दें, फिर ERV निकाल दें, उसके बाद क्या बचा रह जाएगा, RV. इसे हम निकाल नहीं सकते, तो आंसर बी हो जाएगा. द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड RV. और देखो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन. नॉर्मल एक्सप्रेशन हमने किया, कितना निकाला हमने TV. नॉर्मल एक्सप्रेशन किया हमने TV, बचा कितना, अब उसमें ERV अभी जो हम निकाल सकते थे वो है और RV है, तो ये क्या बन गया FRC बन गया. तो आंसर कैसे पूछा, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन. नॉर्मल एक्सप्रेशन में हमने TV निकाला, फिर नॉर्मल एक्सप्रेशन में हमने TV निकाल दिया, अब बचा क्या ERV RV, तो क्या बन गया FRC. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन. नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, जैसे नॉर्मल इंस्पिरेशन में हमने TV लिया, इसको हम कट करते हैं पूरा. पहले कह रहे हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन में हमने TV लिया, ठीक, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर, एक्सपायर कितनी कर सकता है टोटल आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद. तो हमने जो TV लिया, पहले इस TV को निकालेंगे, उसके बाद हम ERV को निकाल सकते हैं. TV को निकालेंगे, उसके बाद फोर्स ERV को निकाल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये EC बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 48 का. 49 देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, इसे TLC कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 50, एडिशनल वॉल्यूम. ये देखो यहाँ पे एडिशनल टर्म यूज़ किया है. जब कैपेसिटी होगा तो वहाँ पे, अगर कोई कैपेसिटी जैसे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो वहाँ पे टोटल वॉल्यूम कहेगा. जब ऐसे नॉर्मल पूछेगा तो एडिशनल वॉल्यूम कहेगा. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुली, तो फोर्सफुली हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, उसे IRV कहते हैं. तो कितना आता है 2500 से 3000 ml. अब यहाँ पे कॉलम मिलाना है, तो कॉलम यहाँ पे पहले से मिले हैं, मज़ा नहीं आएगा इसमें तो. IC क्या है, VC - ERV. तो VC क्या था टोटल, VC में क्या था, IRV, TV, ERV था. अब VC से ERV निकालोगे तो क्या बचा, VC से ERV निकाल दिया तो IRV और TV बचा, तो क्या बन गया IC, तो IC हो जाएगा सी ऑप्शन. EC में देखो, EC में पांचवा मिलाया गया है, तो EC क्या है, TV प्लस ERV को हम EC कहते हैं. FRC क्या होता है, ERV प्लस RV. ERV में अगर हम RV जोड़ दें तो FRC कहते हैं इसे. ERV में RV जोड़ दें तो इसे FRC कहते हैं, ये भी हम बता चुके हैं. और VC क्या होता है, EC में अगर हम
इसी में क्या है, टीवी प्लस ईआरबी और उसमें आईआरबी जोड़ दे तो तीन हो गए, आईआरबी टीवी ईआरबी, तो क्या बन जाएगा वीसी। टीएलसी में चारों आ जाएंगे, तो वीसी में अगर हम वीसी में तीन है और आरबी को भी जोड़ दें तो चारों आ जाएंगे, तो बन जाएगा टीएलसी। तो 51 का कौन सा आंसर सही होगा, क्वेश्चन नंबर 51 का कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। फिफ्टी टू में दिया गया है ये फिगर, ये ईयर देखो अंदर आ रही है, तो क्या बता रहा है, ईयर अंदर आ रही है वाले फिगर में, तो क्या बता रहा है इंस्पिरेशन को, इसमें देखो बाहर जा रही है, एरो बाहर का लगा है तो एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 53, वाइटल कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इनहेल इन अ मेजर्ड विद, किसमें मेजर करेंगे, स्पायरोमीटर में, 53 का बी ऑप्शन हो जाएगा। किसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, आरवी को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली आरवी नहीं मेजर कर सकते हैं। एफआरसी में, एफआरसी में होता है तो एफआरसी को भी, एफआरसी में आरवी होता है इसलिए एफआरसी नहीं मेजर कर सकते हैं, कितनी है टोटल नहीं बता सकते हैं। टीएलसी भी डायरेक्टली हम बता नहीं सकते हैं टोटल, तो ऐसे तीन वैल्यूम हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं स्पायरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 54, मसल्स अटैच टू द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन टू मेक इट मसल कॉन्ट्रैक्ट टू डायाफ्राम, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या बनेगा, फ्लैट हो जाएगा, तो 54 का ये ऑप्शन हो जाएगा। 54 और 55 में आ जाओ, 55 में हमसे दिया है ये देखो वैल्यूम दिया है, तो टाइडल वैल्यूम 55 का देखो, टाइडल वैल्यूम कितना होगा 180 हो जाएगा, टाइडल वैल्यूम कितना होगा 500 ईयर, 500 ml, टाइडल वैल्यूम 500 ml हो जाएगा, टाइडल वैल्यूम 500 ml हो जाएगा। आईआरबी कितना होगा 2500 से 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजल्ट कितना होगा 1000 से 1100, आरबी कितना होगा ये हो जाएगा, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 55 का, मिला लो, मिला लेना आप। क्वेश्चन नंबर, रेजिडुअल वैल्यूम क्या है, रेजिडुअल वैल्यूम टाइडल वैल्यूम से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन टाइडल वैल्यूम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा 57 का। 58 देखो, फोर्स डीप ब्रीदिंग ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ सम टाइम फॉलोड बाई टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ द लिटिल CO2 कंटेंट इन ब्लड, 58 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 59 देखो, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट, इट्स द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड, इसे हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट, इट इज़ वाइटल कैपेसिटी, 59 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, 500 ml होता है या इसी को हम 0.5 लीटर भी कह सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा 60 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 देखो, द वैल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम रेस्पिरेटरी एफर्ट, मैक्सिमम रेस्पिरेटरी एफर्ट के बाद कितनी लंग्स में वैल्यूम होगी, तो 61 का हो जाएगा बी, रेसिडुअल वैल्यूम जिसे हम निकाल नहीं सकते हैं, वैल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग, बची कितनी रह जाएगी लंग, मैक्सिमम रेस्पिरेटरी एफर्ट के बाद बची कितनी रह जाएगी, आर भी बची रह जाएगी जिसे हम नहीं निकाल सकते हैं। इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड बाई स्क्वेमस एपिथीलियम प्लस एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 62 का। 63 देखो, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आ गए हम, द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज आर एल्वियोलाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा 63 का। 64 में देखो, गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस बाई सिंपल डिफ्यूजन, ए ऑप्शन करना है यहाँ पे, सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा था, ये फिगर है इसको तो बाद में करना है, वैसे देख सकते हैं आप ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी दिया गया है, ए ऑप्शन पल्मोनरी आर्टरी दिया गया है, पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी वेन है, इधर पर सिस्टमिक वेन होगा और सिस्टमिक आर्टरी होगा इधर। क्वेश्चन नंबर 66 देते हैं, द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे रेट ऑफ डिफ्यूजन को, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज, रिएक्टिविटी ऑफ गैसेज, नहीं रिएक्टिविटी नहीं थी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, तो ए बी सी ई ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा 66 का। 67 देखो,
द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. डी ऑप्शन करेक्ट होगा. इंडिविजुअल गैस कह रहा है ना, इंडिविजुअल गैस का तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर टू द डोज इन एल्वियोलर एयर. तो एटमॉस्फेरिक एयर में पूछा है, अगर कंपेयर कर रहा है किससे, एल्वियोलर एयर में, तो किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन हायर देन CO2. बी ऑप्शन करेक्ट होगा 69 का. 69 में व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर्ड टू डोज इन द एल्वियोलर एयर. तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा CO2 से. 70 नंबर देखो, एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना, यहाँ देखो टेबल भी दी गई है, इसको हम देखते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है, 159. एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mmHg है और CO2 का कितना है, 0.3 mmHg. एल्वियोलाई में 104 है और इसको हमने बताया भी था, अभी 40 है इधर. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 40 था और CO2 का 45 था. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 95 था और CO2 का 40 था. टिश्यू में 40 था ऑक्सीजन का और CO2 का 45 था. तो अब इस तरह नहीं याद करना, आपको सीधे ऐसे बनाना है, ठीक, ऐसे, और उसको सेपरेट कर लेना. यहाँ पे लिखना एल्वियोलाई, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे टिश्यू लिखना, फिर सीधे लिखना यहाँ पे 104, यहाँ पे लिखना कितना 95 होगा, ये 95, ये हो जाएगा 40. तब यहाँ पे कैसे 40 45 इस तरह से लिखना और निकाल लेना आराम से. क्वेश्चन नंबर 71 देखो, द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन इज फ्रॉम. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन कहाँ से थी, एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू. डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन के लिए पूछा है, ध्यान रखना. CO2 के लिए अगर पूछता तो यहाँ ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन के लिए एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू. अगर CO2 के लिए कहे तो टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई. डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट फ्रॉम द CO2 के लिए देखो पूछा है, CO2 के लिए कहाँ होगा, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई. टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. द विच इज़ नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है. 73, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 mmHg. पार्शियल प्रेशर CO2 का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है, नहीं है, ये तो ऑक्सीजन का था. क्वेश्चन नंबर 73 भी देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ एल्वियोलर इज 40 mmHg. ऑक्सीजन का CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर में 104 mmHg था, यह भी गलत हो गया. तो पूछा विच इज़ नॉट ट्रू, हाँ यही ऑप्शन गलत है. पार्शियल प्रेशर ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ए तो गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वियोलर एयर में 40 चाहिए तो है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलर एयर इज एल्वियोलर में ऑक्सीजन का 104 था और CO2 का 40 था, हाँ सही है. ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था, 95, ये भी सही है. तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी 73 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा. 74 का देखो, पूछा है रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट मैचिंग. इसमें ए क्या दिखाया गया है, एस्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई. बी क्या दिखाया गया है, बेसमेंट सब्सटेंस दिखाया गया है. डी क्या दिखाया गया, एल्वियोलर कैविटी दिखाई गई है. तो उस क्वेश्चन तो बाद में हम कराएंगे ही. तो आपके 75 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए. और एक क्वेश्चन देखो नीचे, गैसेस डिफ्यूज ओवर द रेस्पिरेटरी सरफेस बिकॉज. रेस्पिरेटरी सरफेस में गैसेस डिफ्यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि 75 का क्या आंसर होगा, ऑक्सीजन इज मोर इन एल्वियोलाई देन इन ब्लड. गैसेस डिफ्यूज्ड ओवर रेस्पिरेटरी सरफेस बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इन एल्वियोलाई देन इन ब्लड. एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर्स थ्रू द पैसिव ट्रांसपोर्ट. नहीं, इस डिफ्यूजन के द्वारा होगा. एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 रेस्पिरेटरी सरफेस अकर्स थ्रू द
डिफ्यूज़न, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिफ्यूज़न या सिंपल डिफ्यूज़न, डी ऑप्शन जाएगा। तो ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई और आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।